गाइज़, आज हमारा दूसरा दिन है गोवा में, और हमने जो आज रूम लिया है वो ये वैगटारा बीच के पास है, और यहाँ पे अंजना बीच भी बहुत पास में है। और मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा पूरा आज हम यहाँ पर रहे हैं, मतलब ये इधर ही हमारा फ्लैट है, और मैं आपको दिखाता हूँ अपने फ्लैट। अब हम चलते हैं, ये देखिए पूरी लोकेशन इधर की। अभी हम अंदर की ओर चलते हैं, ये देख सकते हैं हमारा 6 नंबर रूम। ये हमारा रूम, ये पूरा हमारा सेटअप है। इधर आप देख ही रहे होंगे, मेरी माइक की आईडी वगैरह भी रखी हुई है इधर। और जब वॉशरूम, ये हमारा बेड, आज हम इधर ही रुकने वाले हैं, चले चलते हैं बाहर। और आपको कंप्लीट दिखाने वाले हैं हम कि कहाँ कहाँ जाएंगे आज, आज हमारा क्या रूटीन है सेकंड डे का, हम पूरा कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। हमारा ये हमारी इधर एक्टिवा खड़ी है, ये वाली वाइट वाली है। यहाँ पे एक्टिवा कार वगैरह मिल ही जाती है, यहाँ पर एक्टिवा एंड टॉप कुछ भी, मतलब जो भी आप देखोगे यहाँ पर, जुपिटर वगैरह, फजीनो मिल ही जाती हैं। इनका चार्जेस मतलब 500 रुपीज़ पर डे होता है। चार्जेस की बात अगर जो हम बात करें तो 500 रुपीज़ पर डे होता है। आप इजली से इसको, आप इनको यहाँ पर, इनको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपकी आईडी की फ़ोटोकॉपी और डीएल की फ़ोटोकॉपी ही आप की ले लेंगे, तभी आपको मतलब एक्टिवा देंगे। उसके बाद ही आप वहाँ से एक्टिवा ले, और 1000 रुपीज़ सिक्योरिटी भी लेंगे ये आपसे, क्योंकि फिर वो रिटर्न कर देंगे आपको जब आप उनकी एक्टिवा वापस कर दोगे जाते टाइम। गर्मी ज़्यादा है, लेकिन यह है कि बीच वगैरह देख करके गर्मी का एहसास नहीं होता। जब आप बीच वगैरह पे जाते हो ना तो गर्मी का एहसास नहीं होता। तो चलो चलते हैं। एक हम जा रहे हैं स्टोर पर जा रहे हैं, और फूड वगैरह भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर अवेलेबल, हर तरह का, मतलब कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का। सुपरमार्केट आपको हमने मॉर्निंग में भी दिखा था, सुपरमार्केट अभी उसके अंदर ही हम कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेंगे। तो हम एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री, मतलब बगैर मास्क का एंट्री है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कुछ भी, मतलब अपनी मर्ज़ी से, सिचुएशन के हिसाब से जो भी चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाएगी। और यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर आके, क्योंकि ऐसी चल रही है, मज़ा आ रहा है। ये यहाँ पे सब बना बना है, कबाब वगैरह, स्प्रिंग रोल। हमारे पास कैश बहुत कम होता है, इसलिए हम कैशलेस हो रखे हैं। हम जो जो भी, मतलब किसी को 10 रुपये भी देने होते हैं वो भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। और कहीं ना कहीं अच्छा भी है, कैश होना भी ज़रूरी है, मतलब अपने पास बहुत ज़रूरी है कैश वगैरह होना। तो बस हम यही, इस एक किसी का 1 रुपया भी होता था हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही करते हैं। ये आप देख सकते हैं नारियल, इनके नीचे मत खड़ा होया करो कभी कभी, क्योंकि जो जो पकता है ना वो नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरती सिर पे लगता है ना, तो समझो बस हो गया आपका काम तमाम। हेलो गाइस, गाइस हम गोवा में रहें या मुंबई में रहें, हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा। ग्राफिक डिज़ाइनर क्या कर रहा है इस वक्त, ये देख सकते हैं क्या बना रहे हैं भाई, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बन रहा है हमारा थंबनेल। गाइस हमारा नारियल पानी पीने का मन कर रहा है, तो इस वजह से हम नारियल पानी पीने के लिए आए हैं। और हैं अभी हमारे लिए नारियल पानी लग रहा है, तो इधर थोड़ा फ्रूट्स भी लेंगे हम, देखते हैं। गाइस ये सुपरमार्केट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या मिलता है। यहाँ पर मिलता है फ्रेश मीट, चीज़, ग्रोसरीज, फ्रोजन प्रोडक्ट एंड पेट केयर, ऑर्गेनिक फूड्स, हाउस होल्ड मनी एक्सचेंज भी यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो फॉरनर्स आते हैं ना यहाँ पर, और उनको मनी चेंज होती है, तो वो यहाँ पर मनी भी चेंज कर सकते हैं यहाँ कर के, फॉरनर्स के लिए है बेसिकली। और आप देख सकते हैं ये ग्रोसरी स्टोर, सुपर मार्केट। ये मेरा नारियल पानी आ रहा है, अच्छा भाई नारियल पानी दे दे। मज़ा आ गया भाई। वैसे दिल्ली में भी नारियल पानी मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं नारियल पानी पी रहा हूँ ना, उसका एक अलग ही टेस्ट है, बिकॉज़
क्योंकि यहाँ से यहीं से ही दिल्ली के अंदर जाता है, तो वहाँ पे जो जाता है ना कितने समय के बाद ये पहुँचता है, लेकिन ये बिल्कुल ताज़ा है, जैसे अभी तोड़ के लाया हूँ और अभी पी रहा हूँ। बहुत मतलब टेस्ट में फ़र्क है भाई दिल्ली के यहाँ के, भाई रियल है। ख़त्म भी हो गया, जल्दी हो गया। एक और पीना है क्या? मेरे को मलाई बहुत अच्छी लगती है। ये मलाई आ रही है, मलाई मेरी कौन सी है? हमारी है। ओ अबे अच्छा मेरी है पूरी है। ये नारियल पानी की मलाई बहुत मस्त लगती है, खानी चाहिए, ज़बरदस्त चीज़ है भाई, मुझे अच्छी लगती है, आपको पता नहीं कैसी लगती होगी। वाह। तो गाइस दूसरे दिन का तो हमने आपको अनाउंस करा ही दिया था कि आज हमारा दूसरा दिन है, लेकिन आज हम जा रहे हैं अंजना बीच, और वहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं कि अंजना बीच पे राइड्स का क्या चार्जेस हैं, और बीच पर कितना बड़ा बीच है, और वो सब हम पूरा दिखाने वाले हैं। अभी हवा चल रही है, अभी इधर तूफ़ान आया हुआ है, जिस वजह से नहाने वगैरह में दिक्कत आ रही है शायद, क्योंकि तूफ़ान आता है तो पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज़ होता है। आप देख भी सकते हैं पीछे से किस तरह से नारियल के जो पेड़ हैं किस तरह झुके पड़े हैं एक साइड, और ये हम अंजना बीच पहुँच चुके हैं, आप सब देख सकते हैं। ये देखिए अंजना बीच, चलो इधर ही इधर ही, ये पूरा अंजना बीच है। यहाँ पर आप बाइक ले सकते हैं, यहाँ पर रेंट पे बाइक मिल जाएगी, यहाँ पे 500 या 600 रुपीज पर डे, और होटल्स भी हैं यहाँ पर बहुत सारे। ठीक है इधर 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 भाई, इधर उतर, इधर उतार भाई, इधर उतार। रास्ता ख़राब है, ये रोकनी पड़ेगी। अरे हमें तो आज दोस्त बहुत अंधिया हुआ है, तो गाइस इस वजह से हम यहाँ पे बीचेस वगैरह पे बहुत पानी का बहाव बहुत तेज़ है, इस वजह से यहाँ पर हम बीच पे नहीं जा सकते नीचे, और नाना भी नाने को भी कमी देते हैं इधर। इधर फोटो बहुत मस्त आता है, आप देख सकते हो किस तरह से कैमरा में रात से हिल रहा है। इधर में नाइट में पार्टी वार्टी इधर होती है, ये देख सकते हैं आप पानी। कोई नहीं नहा रहा है इसके अंदर, अगर जो ऐसे में नहाते हैं तो ये अपनी साइड में खींच के ले जाता है पानी, तो इस वजह से इधर अलाउ नहीं करते आने के लिए।
ये देख सकते हैं आप, ये गाइस बहुत तकड़ा इस वक्त फ्लो है पानी का, ठीक है पूरा। तो आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर नहा तो सकते ही नहीं, बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं करेंगे नहाने के लिए तो यहाँ पर, क्योंकि जब भी कोई अंदर पड़ रहा है एकदम सीटी मार के बाहर निकाल दे रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना तकड़ा बहाव है पानी, डर लग रहा है।